लेट अस सी व्हाट इज फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन का मतलब है, फ्रस्टम का मतलब होता है रिमूवल या पीस कट ऑफ, किसी चीज से कटा हुआ पीस जो बचा दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम। ये लैटिन वर्ड है। फ्रस्टम ऑफ ए कोन का मतलब भी क्लियर हो गया कि यहां से अगर हम कोई कोन है और उसमें से हम कोई पीस कट कर दें तो जो बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा ऑफ ए कोन इज नोन एज द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यहां मेरे पास एक कोन है और मैं इसमें से कोई कोन का पीस रिमूव कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर केस लेंगे जहां पर हम एक प्लेन के थ्रू इस टॉप पोर्शन को रिमूव करते हैं एंड द प्लेन विल बी शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, है ना। इस बेस के पैरेलल में एक प्लेन से मैंने इस कोन को के इस पोर्शन को रिमूव कर दिया है। तो अब जो बचा हुआ पीस बचा है यानी कि इसको रिमूव करके हटा दिया है तो ये जो नीचे का पीस बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड द फ्रस्टम ऑफ द कोन। इसको अगर हम देखेंगे तो ये किस तरह का दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पोर्शन हमको दिखने वाला है एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है। नाउ लेट अस सी कुछ रिलेशन हम देख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ द कोन के लिए। अगर मेरे पास कोई एक कोन दिया हुआ है, इसका एल स्लैंट हाइट एल है, इस फ्रस्टम की हाइट एच है और ये रेडियस बड़ा रेडियस आर वन है और छोटा रेडियस आर टू है। इस तरह से हमको ये दिया हुआ है कुछ, तो इस पर बेस्ड कुछ रिलेशन व्हाट इज वॉल्यूम सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम क्या होगा, वॉल्यूम अगर इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल कोन का वॉल्यूम हमको मालूम है और ये जो ऊपर से पीस रिमूव हो रहा है दिट विल अगेन बी ए कोन, ये भी ए कोन है, ठीक है। फॉर रेडियस आर टू होगा इसका रेडियस। तो अगर मैं टोटल कोन का वॉल्यूम निकालूं और उसमें से इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास इस बचे हुए हिस्से का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। इसके फॉर्मूला हमारे पास आएगा और उस फॉर्मूले पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने आएंगे। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम, दैट इज 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, ये हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम ऑफ कोन। यहां ध्यान देने की बात ये है कि ये जो एच दिया है हाइट, ये हाइट इस फ्रस्टम की हाइट है ना कि इस कोन की हाइट है। ये कौन सी हाइट है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इस फ्रस्टम के बारे में। तो ये फ्रस्टम की हाइट है, ये रेडियस आर वन बेस का रेडियस है और आर टू ये छोटा रेडियस है और इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। इसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज इस तरह से आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, फुल कोन माइनस दिस स्मॉल कोन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। कुछ रिलेशंस हमको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे जैसे कि एच वन अपॉन एच टू दोनों हाइट्स के बीच में जो रिलेशन है दैट इज आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन आर टू, सिमिलर ट्राइंगल्स की जो रिलेशन है उसको लगाएंगे हम एंड फिर सॉर्ट आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमको ये फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इस फ्रस्टम का रहता है पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल। नॉर्मल कोन में अगर ये पूरा कंप्लीट कोन होता तो दैट विल बी पाई रेडियस ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन। यहां पे क्या है, पाई एडिशन ऑफ द रेडियस इंटू स्लैंट हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम। यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये एल जो है इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को बता रहा है, ठीक है। पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल। और टोटल सर्फेस एरिया निकालना है तो क्या होता है, किसी भी अगर हम
लॉजिकली देखें, अर्थात सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस एरिया ऑफ बेस प्लस दिस एरिया ऑफ बेस, दोनों बेस का एरिया, तो क्या बन जाएगा? अगर हमारे पास एक तरफ से ओपन दिया है तो हम फिर उसको यूज नहीं करेंगे जो ओपन पोर्शन है, ठीक है? नाउ क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आर वन प्लस आर टू इंटू एल प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। इसी कर्व सरफेस एरिया में इस बेस का एरिया ऐड किया और इस बेस का एरिया ऐड किया तो हमारे पास ये बन के आ गया, ठीक है? अगर हम इस तरह के कोई चीज हम अगर सोचे कि हमें डे टू डे लाइफ में दिखता है क्या, तो वी कैन सी सो मेनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक दिस ग्लास या कोई बकेट हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं और हम उसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है, क्या उसका सरफेस एरिया, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दीज आर दी थ्री फॉर्मूलेस फॉर दैट। अगर हमको एल फाइंड आउट करना है व्हाट इज दी लेंथ ऑफ दिस, तो मैं अगर यहां से एक पैरेलल लाइन डालू तो क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है? तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, तो क्या बन जाता है, एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू द होल स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट। या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ एल, ठीक है? तो यहां पर इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए और इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहां अगर आपको याद करने के लिए सोचें तो आप अगर कोई सिंपल कोन के फॉर्मूले ले लें, आपको अगर वो याद है तो यहां से कुछ सिमिलरिटी हम बना सकते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन, ठीक है? ये होता है, यहां हम क्या कर रहे हैं 1/3 पाई इंटू हाइट ऑफ फ्रस्टम, 1/3 पाई एज इट इज है, हाइट ऑफ कोन था यहां हाइट ऑफ फ्रस्टम आ गया है और रेडियस आर स्क्वायर जो बेस का रेडियस था उसकी जगह पे हमने ये रेडियस प्लेस कर दिया है। सिमिलरली अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो आता है पाई इंटू आर मतलब रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, यही तो आता है ना, रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। यहां क्या आ रहा है, पाई इंटू रेडियस का सब हो गया है इंटू स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम आ गया है। जब हम फ्रस्टम की बात कर रहे हैं तो एल और एच फ्रस्टम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हमारे यूज के हैं, इन फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या कैसे ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो हमारे पास कोई फ्रस्टम ऑफ द कोन है, एक डायग्राम हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। नाउ फ्रस्टम ऑफ द कोन है, इसकी स्लैंट हाइट दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर। नाउ दिस एल, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके? और हमें दिया है पेरीमीटर दिया हुआ है, यहां पे सर्कमफेरेंस दिया हुआ है इसका, दैट इज 2 पाई आर 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 2 पाई आर 1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यहां पे हमको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम चाहिए, हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, 2 पाई आर 1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड 2 पाई आर 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आल्सो गिवन इज एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है? यहां मुझे दिया है तो अब इन दोनों का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द आर 1। तो यहां मैं लिख देता हूं आर 1 इज इक्वल टू 9/π, ठीक है? यहां पाई को बाद में सॉल्व करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आर 2 इज इक्वल टू 3/π, है ना, आर 2 इज इक्वल टू 3/π सेंटीमीटर। यहां से हमने आर 1 और आर 2 फाइंड आउट कर लिए। नाउ व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई, फॉर्मूला याद करेंगे तो आर 1 प्लस आर 2, आर 1 प्लस आर 2 इंटू एल, ये रहता है।
है ना, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दैट इज पाई आर वन प्लस आर टू, आर वन क्या है 9 अपॉन पाई, प्लस आर टू क्या है 3 अपॉन पाई इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाउ पाई कॉमन आ जाएगा बाहर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, दैट इज 12 इंटू 4, दैट इज 48 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, अ मेटलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, एक कोन है हमारे पास जिसकी की हाइट 20 सेंटीमीटर हमको दी हुई है, ओके दिस इज कोन, इसकी हाइट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। नाउ वर्टिकल एंगल हमें 60 दिया, व्हाट इज वर्टिकल एंगल, मैंने यहां से एक हाइट ड्रॉ कर ली है एच, यहां से रेडियस ड्रॉ कर लिया है, नाउ दिस एंगल जो हमें गिवन है दैट इज 60 डिग्री, ये जो एंगल इस यहां सेंटर इससे बन रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये हाइट ऑफ द कोन है टोटल हाइट, और दिस इज स्लैंट हाइट एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस, दिस इज कॉल्ड दिस। नाउ इट इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट्स, यानी कि टोटल हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, उसके बीच में से इसको कट कर दिया है दो पार्ट्स में, तो उसके बीच में से कट कर दिया मतलब कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में, विद ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, एक प्लेन से कट कर दिया है पैरेलल टू द बेस, तो ये कैसे बन के आ जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, यहां से ये रिमूव हो गया है, तो ये हाइट कितनी होगी इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि मिडिल से काटा है। नाउ दिस बिकम द फ्रस्टम, इन द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, ओके। नाउ फ्रस्टम को हमने फाइंड कर लिया और इस फ्रस्टम को हमने वायर्स में बना लिया है, इसको वायर की फॉर्म में बना लिया है, कैसे बनाएंगे वायर की फॉर्म में, हम ड्रॉ कैसे करेंगे इस फ्रस्टम को, फ्रस्टम को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे और उसको मेल्ट करके हम एक वायर की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, एक वायर बन के आ जाएगा जिसका की डायमीटर हमको दिया हुआ है, ठीक है, और हमको लेंथ ऑफ वायर बताना है। तो इट मींस हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जब भी हम किसी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या चीज कॉमन रहती है, तो कॉमन रहता है उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया तो चेंज हो जाएगा, इस फ्रस्टम का सरफेस एरिया उस सिलेंड्रिकल वायर में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चीज कॉमन रहेगा, दैट इज वॉल्यूम। तो व्हाट वी क्या हमको पूछ रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है हमको वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, हमें फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, नाउ वॉल्यूम अगर हम इसको यहां देखें, दैट इज दिस फ्रस्टम का वॉल्यूम, दैट इज पाई 1 अपॉन 3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे हमको एच की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि हमने मिडिल से कट किया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट अबाउट आर वन एंड आर टू, ये हमारे पास अभी तक हमें दिया नहीं है, ये बेस का एरिया और इसका इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस हमको दिया नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस रेडियस, हमें ये एंगल 60 डिग्री जरूर दिया हुआ है, ठीक है, तो कैन वी फाइंड द रेडियस बाय यूजिंग दिस, ऑफ कोर्स यस, व्हाट वी कैन फाइंड, हम ये जानते हैं दैट इज 20 है, अगर हम फुल कोन की बात कर रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करके हम इस रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिमिलरली ये यहां से ऊपर से कट है, ये एंगल भी अगेन 60 डिग्री रहेगा, ये हाइट भी हमें दी हुई है 10, वी कैन फाइंड द रेडियस आर वन ऑल्सो। सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन लेकर के हम आर वन और आर टू फाइंड करेंगे एंड देन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम आ जाएगा तो हम उसके बाद उस वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे विद द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन, ठीक, इसको कुछ नाम देने पड़ेंगे हमको, इस फिगर को फाइनल कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी एंड ई, नाउ दिस इज डी एंड ई, इस तरह से दिस इज दिस ई एंड क्यू, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, वॉल्यूम क्या हमें चाहिए फाइनली, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में हमको रिक्वायरमेंट हमारे क्या है, दैट इज आर वन आर टू आर हमें चाहिए है, वो हमें कहां से मिल सकते हैं, वो हमें
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मिल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। नाउ लिखने को कैसे है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, R1 R2 फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको यहां पे पुट कर लेंगे, ये बन जाएगा लेटर सी। कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ बेसिस आर R1 एंड R2 वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, यहां हम ऐसा लिखने से हमको मालूम चल जाता है कि R1 इसकी बात हो रही है और R2 इसकी बात हो रही है। ठीक है, लेट द हाइट्स ऑफ कोन ABC एंड कोन ADE, इस कोन की अगर हम बात करें R, यहां हम लेते हैं दैट इज H1 एंड इस पूरे की हाइट ABC की एंड H2। ठीक है, H1 और H2 हाइट है, तो यहां बात हो रही है H1 दिस और H2 दिस, तो इंप्लाइज H1 इज इक्वल टू टोटल हाइट H1 वो कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर एंड H2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इंप्लाइज H दैट इज H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, H जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दिस, नाउ इन ट्राइंगल यहां देख लेते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए क्यू एंड डी एंड ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, दैट इज ABC, ये दोनों ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या बनेगा ए क्यू डी में क्या बन रहा है, दैट इज 10-60 degree, क्योंकि हमें इसके और इसके बीच में यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। 10-60 degree इज इक्वल टू AQ upon PQ। नाउ AQ इज इक्वल टू कितना है, AQ इज इक्वल टू है हमारे पास 10 और DQ हमारे पास कितना है, दैट इज R2। ठीक है, तो इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू 10/√3। और यहां सिमिलरली इन ट्राइंगल APB R1 इज इक्वल टू 20/√3। सिमिलरली इसी तरह से 10-60 की वैल्यू निकालेंगे टोटल एंगल में 10-60, दैट इज R1 इज इक्वल टू 20/√3। R1 आ गया, R2 आ गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, 1/3 pi इंटू R1 square, दैट इज 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक है, इस टोटल को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम पाई को छोड़ देते हैं क्योंकि पाई आगे यूज होगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 7000/9 pi। वॉल्यूम क्या आया, दैट इज 7000/9 pi। ठीक है, नाउ दिस वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू वायर, इसी वॉल्यूम से हमने वायर बनाना शुरू किया है, तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा और इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वायर क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वायर है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ वायर, नाउ दिस इज पाई इंटू रेडियस ऑफ वायर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दैट इज पाई इंटू 1/16, हमें रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 1/32 होल स्क्वायर इंटू एल, लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ एल से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एल आप सोचोगे स्लैंट हाइट है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 7000/9 pi। ठीक है, 7000/9 pi। जो वॉल्यूम फ्रस्टम का था वही वॉल्यूम इस वायर को ड्रॉ करके आएगा,
ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास लेंथ क्या बचने वाली है, लेंथ इज इक्वल टू 7000 अपॉन 9 इंटू 32 स्क्वायर। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7964444.4 सेंटीमीटर। बहुत लंबा फिगर आया है, इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 7964.44 मीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ द वायर। इस फ्रस्टम को अगर मैं मेट करके वायर के फॉर्म में निकालू, इसका रेडियस, इसका डायमीटर 1/16 हो, तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी, 7944.4 मीटर।